चिनाब वैली के जिला डोडा के धंधल में बर्फबारी के बाद हिमानियों के गिरने का सिलसिला जारी। डोडा रामबन के राजगढ़ कास्तीगढ़ में लोग परेशान। बीएकॉन मशीनरी लगातार श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को साफ करने में लगी है। इसके साथ गन क्षेत्र और कंगन में बर्फ को साफ करने का कार्य चल रहा है। सोपोर पुलिस ने चोरी की गुत्थी सुलझाई। चोरी किए हुए गन सेट और वाटर मोटर बरामद। पहले कुछ यहाँ पे चोरियाँ हुई थी बाजार में, तो ज्यादा भी कुछ ज्यादा चोरियाँ नहीं हुई थी यहाँ पे, तो उनमें से एक चोरी हमने कुछ ही दिन पहले निकाली है। ये चोरी यहाँ डाउनटाउन सोपोर में हुई थी, जिसमें एक जनरेटर है उसका सेट चोरी हुआ था और एक वाटर मोटर चोरी हुआ था, जिसकी कीमत लगभग कलेक्टिवली बनती है तकरीबन 1.5 लाख के करीब। तो सोपोर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हमारे पास यहाँ आती है 31 जनवरी को यहाँ पे, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन हो जाती है। बर्फीले तूफान में दब जाने से एक पुलिसकर्मी अरशद अहमद की डेड बॉडी बरामद। कुलगाम का रहने वाला था अरशद। बर्फीले तूफान की चपेट में आए क्षेत्र में मछेनियों द्वारा बर्फ हटाने का कार्य जारी। हाजबल बारामूला रोड पर चल रहा है बर्फ हटाने का कार्य। रहमो पुलवामा से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत को स्थानीय लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। सोपोर में SHO पुलिस स्टेशन डिंजीवेचा ने एक गर्भवती महिला की जान बचाई है। भारी बर्फबारी में फंसी थी महिला। बर्फबारी के बाद किश्तवाड़ के DC किश्तवाड़ ने अस्पताल के अलावा अन्य हालात का जायजा लिया। देखिए, जिला किश्तवाड़ के टाउन जो है हमारा किश्तवाड़ टाउन है, उसका भी मैंने मायना लिया पूरा। खुद इंटीरियर में जाकर जितनी भी गलियां हैं, मैक्सिमम गलियों में घूमा हूँ। हमारा जो बीच में ट्रंक रोड जो है इसका, हमारे टाउन का, वो क्लियर है। मोटे मोटे रोड जो है हमारे तमाम, हमने बर्फ हटाई हुई है इन पे। भारी बर्फ से गुलाम मोहम्मद नाजर का घर पूरी तरह ढह गया। लोगों ने मांग की है कि गरीब को मुआवजा दिया जाए। कारखान कमजोरी लकड़ लकड़ बचा ये कार नुकसान तो बहुत गवर्नमेंटस अपील कर अगर कह इमदाद कर तुम्हें शुक्र गुजार रोपस लाजा मे अकोन कारखान सा दु मे गवर्नमेंटन रिलीफ तम यह तो बस वो गवर्नमेंटस अपील कर अगर सह इमदाद कह कर बह कार कर बह बच वच पाल ब।